तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा सेवन की, क्लास सेवन की नैतिक शिक्षा पाठ का नाम है, आठवां चैप्टर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। ठीक ना, सार्वजनिक संपत्ति होते यानी कि सरकारी संपत्तियों का सुरक्षा पाठ का नाम है। तो अभी मैं हूँ सरकारी स्कूल के ही एक विद्यालय में और अंदर के रूम में बैठा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो सभी लोगों की संपत्ति होती है, जो पूरी जनता की संपत्ति है, जिस पर सभी का अधिकार है, दूसरे शब्दों में जो सरकारी है या किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं है, जिस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, आज ऐसी संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व तो कोई नहीं लेता। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है ना, सरकारी जो चीज़ होती है ना, उसका दायित्व तो कोई नहीं लेता है दोस्तों। आज के ज़माने में जब किसी विद्यालय यानी कि स्कूल के छात्र अपनी ही मेज को तोड़ता है, ठीक ना, दरवाजे को तोड़ देता है, उखाड़ देता है, पानी के नल को तोड़ देते हैं, तब भी उन्हें कोई नहीं रोकता। यहाँ तक कि उनके जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, वे भी नहीं रोकते। चौकीदार तो दूर की बात, चौकीदार बिल्कुल नहीं रोकता, कोई अध्यापक भी नहीं रोकता, दो चार उसे ही समझाने वाले खड़े हो जाते हैं, अरे साहब आप क्यों उलझते हैं, क्या बोलते हैं, अरे साहब आप क्या उलझते हैं, जरा सी देर में अपमान कर दें तो क्या इज्जत रह जाएगी, आजकल के भले जमाना नहीं है जी, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है जी, अपने आपको बचाकर नौकरी पूरी कर लो, बस क्या बोलते हैं, आपको बचाकर नौकरी पूरी कर लो। जब चौकीदार और प्रधानाचार्य यानी कि हेडमास्टर नहीं उलझते हैं, मुसीबत का मोल नहीं लेते, तो हम क्यों पीछे आएंगे, इस प्रकार करके मास्टर भी छोड़ देते हैं, ठीक ना। और तो और स्कूल लगा है, स्कूल बंद हो गया, ताला चार बज गया, उसके बाद भी स्कूल के मैदान में बाहर लड़के खेलने लगते हैं, सामान चोरी होता है रहता है, चौकीदार पर आँच तक नहीं आती, सड़कों पर लगे ईंट उखाड़ कर फेंके जाते हैं, घर ले जाते हैं, फिर भी कोई नहीं रोकता। ये देखिए स्कूल में बच्चे तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल का तो यही हाल होता है वास्तव में दोस्तों, अपने घर ले जाते हैं, ग्रिल गेट उठाकर बाजार में बेच देते हैं, ये वास्तविक घटना है। चौराहों के पार्क को सबका समझकर उसकी एक चीज़ नष्ट कर दी जाती है, स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक प्याऊँ, सभी जगह के लोग निरंतर हानि पहुंचाने में जुटे रहते हैं। यदि बालकों को पता लग जाए कि सार्वजनिक संपत्ति जनता की धन है और इसे नष्ट करेंगे तो आपको ही फिर से निर्माण करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि आप जो पैसा टैक्स के माध्यम से देते हैं ना, उन्हीं सभी पैसों से आपका यह बनता है। तो अब आइए जानते हैं इसी से संबंधित एक हमारे अंसारी जी का, डॉक्टर अंसारी जी का, जब वे फ्रांस गए थे तो कैसी घटना हुई। देखिए डॉक्टर जो अंसारी हैं फ्रांस गए थे और सड़क पर टहलते हुए उनका हाथ अपने जेब में पड़ा यानी पैकेट में, और पैकेट से एक कागज़ निकला, उन कागज़ को पढ़ा और लगा कि उनको ये फालतू कागज़ है, तब वहीं पे वो फेंक दिए। डॉक्टर अंसारी उन्हीं पर कागज़ को वहीं पे फेंक दिए, उन्हें लगा कि बेकार का कागज़ है, अतः मोड़कर सड़क पर फेंक दिए। जरा सी आगे बढ़े होंगे कि एक लंबी सी कार, समझ रहे हैं, लंबी सी कार से एक आदमी रुका और कार से व्यक्ति कि जो वह कागज़ फेंक दिया था ना, उस कागज़ को उठाया, स्वयं खुद से उठाया और थोड़ा आगे चलकर किनारे में जो डस्टबिन रखा था, ये डस्टबिन देख रहे हैं, ये डस्टबिन में डाल दिया ये आदमी कार से उतर के, और उसकी मनोभावना क्या थी कि रखे कूड़ेदान में डाल दिया। डॉक्टर अंसारी जब उनके मुंह की ओर देखे ना, मुंह करके बोला यह मेरा शहर है। क्या बोला वह आदमी कि यह मेरा शहर है, जो आदमी कार से उतरा, और मैं अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहता हूँ, स्वच्छ रखना चाहता हूँ, क्लीन रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अंसारी हैरान हो गए कि भाई कार से उतरकर यह आदमी कार से उतरकर सफाई कर दिया, मैं कचरा फेंका और ये साफ कर दिया, कितने महान उच्च चरित्र हैं इनके। और हमारे देश के लोग कोई कितना भी बड़ा मलबा क्यों नहीं पड़ा रहे, कोई नहीं हाथ लगाने जाता है। डॉक्टर अंसारी ने गांठ बांध ली कि फिर कभी ऐसी सावधानी नहीं करेंगे। क्या दोस्तों हमारे भारत में ऐसा होता है, वास्तव में नहीं होता है। सड़कें, पुल, पटरी, पार्क, हमारे सब इन स्वयं दूषित करते हैं, हम खुद एक स्थान से दूसरे स्थान को दूषित कर देते हैं, जहां मन तहां पेशाब कर देते हैं, जहां मन तहां किसी को भी सामान को फेंक देते हैं। हमारे देश में होता है ना, बस यमुना की नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी कचरा डाला जाता है, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं,
खैर झुग्गी झोपड़ियाँ तो वे लोग मजबूरी में बनाते हैं, लेकिन कचरा बहाया जाता है ठीक समय समय पर। कोई भी चीज़ हमारे देश में सुरक्षित नहीं रहती। तो दोस्तों इस पार्ट का, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकारी चीज़ आप कहीं भी देखें, रोड पे एक पत्थर देखें ना तो उसको भी साइड कर दीजिए। वास्तविक इंसान वही है जो अपने दायित्व को समझता है और सार्वजनिक संपत्ति का मान रखता है। ये नहीं कि सरकार की संपत्ति है तो लात मार के निकल जाइए। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं ना, एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आज से यह बात फॉलो करेंगे, किसी भी सरकारी चीज़ को आप उसका अपमान नहीं करेंगे। तो अब नीचे दिए गए कथन के सामने अपना विचार लिखना है। कथन क्या है? विद्यालय की चीज़ों, बेंच डेस्क आदि का नुकसान जमाई थोड़ा ले लेते हैं। विद्यालय की चीज़ यानी कि बेंच डेस्क आदि नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं जी। विद्यालय चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाले को मना करते हैं? हाँ बिल्कुल हम मना करते थे। सार्वजनिक स्थलों को गंदा करते हैं? नहीं करते हैं। साफ सफाई, हाँ साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अगर मैं कभी भी यहाँ तक के अगर कहीं भी जाता हूँ ना तो देखता हूँ कि सड़क पर पत्थर है तो उस पत्थर को साइड करने का एक प्रयत्न जरूर करता हूँ। बाइक को धीरे करके या साइकिल को धीरे करके या फिर पैदल रहता हूँ तो स्वयं लात मार के उसको साइड कर देता हूँ। सार्वजनिक संपत्ति से आप क्या समझते हैं? एक बार मैं जा रहा था और सड़क पर एक लंबा सा कोई आदमी सांप मार के रख दिया था तो उसको भी साइड कर देना है, डर से नहीं भागना है। मैंने कर दिया था दोस्तों। तो एक अच्छा दायित्व नागरिक होने के नाते आप सभी को ये करना चाहिए। और पार्ट में कोई भी कौन सा आंसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। सार्वजनिक संपत्ति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति उस चीज़ को कहते हैं जो सभी लोगों का होता है। इस वैसी चीज़ पर सभी लोगों का अधिकार होता है, किसी एक आदमी का एकाधिकार नहीं होता है ठीक ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका जितने भी सरकारी चीज़ होती हैं वे सभी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल ठीक, उसके बाद मंदिर, विद्यालय, मस्जिद, ये सभी आ गए हैं आपके सार्वजनिक चीज़ें जो कि सभी का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। और यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रह जाता है। बस एक अच्छे नागरिक का दायित्व बताइए, निभाइए। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।